इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, ये हमारे पास एक होम थिएटर आया है, इसके अंदर देखिए क्या प्रॉब्लम है। इसके अंदर वो वाली आईसी लगी हुई है 2050, जो आईसी हमारी सीरीज के अंदर काम करती हैं। तो इसके अंदर देखिए, ये होम थिएटर को जब मैं ऑन कर रहा हूँ तो इसके बूफर से देखिए किस तरीके से आवाज़ आ रही है। तो देखिए दोस्तों, इस सेट के अंदर ये प्रॉब्लम है, जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसके बेस के अंदर इस तरीके से आवाज़ आ रही है और सैटेलाइट जो है इसकी बिल्कुल सही चल रही है। जो इसकी छोटे स्पीकर वाली 3 इंची की आईसी है वो एकदम सही वर्क कर रही है, और जो 2050 की आईसी है उसके अंदर क्या दिक्कत है कि इसके अंदर इस तरीके से आवाज़ आ रही है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो ग्राउंड वाली जो हमारी 2050 की आईसी है, हम इसको चेंज करेंगे। इसकी पहचान कैसे होगी दोस्तों, इसके अंदर जो इनपुट है, जो पहले नंबर की जो पिन हमारी इनपुट होती है, वो इसकी ग्राउंड से दी जाती है। देखिए, ये जो ग्राउंड है इससे दी जाती है इसको इनपुट, और जो दूसरी आईसी होती है इसको ऑडियो से इनपुट दी जाती है। तो जो ग्राउंड वाली आईसी है, जिसको ग्राउंड से इनपुट दी जाती है, हम उस आईसी को चेंज करेंगे। ये सब बूफर की आईसी है, इसके अंदर ऑन करने के बाद बस यही दिक्कत आ रही है। तो देखिए, देखा दोस्तों आपने, इसके अंदर यही दिक्कत आ रही है। तो इसके अंदर दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसके अंदर जो है, हम देखिए बोर्ड को मैं पूरा पलट देता हूँ। इसके अंदर जो है, हम दोस्तों ये आईसी चेंज करेंगे। देखिए 2050 आईसी है, देखिए जिसके ऊपर मैंने हाथ रख रखा है, 2050 आईसी है, इसको हम चेंज करेंगे। इस आईसी के अंदर दिक्कत है। तो इस आईसी को चेंज करने के बाद हम फिर इसकी आवाज़ देखते हैं कि किस तरीके से आती है। तो दोस्तों देखिए, इसकी हमने जो है आईसी को चेंज कर दिया है, और देखिए अब मैं इस होम थिएटर को जब ऑन करता हूँ तो देखिए, ऑन करने पे अब इसके अंदर कोई आवाज़ नहीं है। ये देखिए, अब एकदम बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। और दोस्तों, मैं इसके अंदर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो आईसी इसके अंदर जो ख़राब निकली है, देखिए ये इसके अंदर जो आईसी ख़राब निकली है हमारी, तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, हमारी ये जो आईसी ख़राब निकली है, ये हमें ख़राब बिल्कुल किसी भी तरीके से नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अंदर जो है, जब हमने इसको चेंज किया तो चेंज करने के बाद ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। तो देखिए, इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, ये 2050 आईसी थी, तो हमारे पास 2050 जब आईसी नहीं थी तो हमने 2030 का इस्तेमाल किया था। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ सर्किट के अंदर। देखिए, यहाँ पर जो है, पहले मैंने आपको दिखाया 2050 आईसी थी, तो अब इसके अंदर देखिए, बूफर के अंदर एक इसके अंदर 2050 आईसी है और एक आईसी हमारी 2030 है। ये देखिए, एक आईसी हमारी 2030 लगी हुई है। तो कभी भी आपके पास अगर 2050 आईसी नहीं है तो आप 2030 का यूज कर सकते हैं, और 2030 नहीं है तो 2050 का यूज कर सकते हैं। और ये जो है, यहाँ पर जो हमने 2050 लगाई है, यहाँ पर ग्राउंडिंग से ऑडियो आती है, तो यहाँ पर हम 2050 का यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जहाँ पर मेन ऑडियो आती है वहाँ पर हम 2050 ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर ग्राउंडिंग से ऑडियो है तो यहाँ पर हम 2030 का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो मेरी कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा।